होता है, तो एच के पास तो बैलेंस ही एक है, इलेक्ट्रॉन तो एच ने एक अपना इस एच ने करा, एक इस एच ने करा, और इन्होंने ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2O है, H2O के अंदर भी सिंगल बॉन्ड होता है H और O के बीच में और नेक्स्ट H और O के बीच में, बट यहाँ पे H के पास तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट हमारा एटॉमिक नंबर उसका कितना होता है O का, 16, तो 286, तो कितने इसके पास वैलेंस है, 6 वैलेंस है, बट फिर भी वो अपना एक बॉन्ड में एक शेयर करेगा, मतलब फॉर एवरी बॉन्ड इट शेयर्स वन। तो कैसे हम देखते हैं, ऐसे ओ देख, ओ के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये 6 हमारे पास इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसने एक एच एरा, इसके पास एक वैलेंस है, एक एच एरा, इसके पास वैलेंस है, एच के पास एक वैलेंस है, वो एक ही शेयर कर रहा है, तो इसके लिए एक शेयर करा ओ ने अपना, और इसके लिए एक शेयर करा, तो वो 2 शेयर कर रहा है इन टोटल, बट 1 फॉर ईच बॉन्ड, सो द बॉन्ड इज सिंगल विद एवरी एच एटम। नेक्स्ट आता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन करते हैं, हर एटम अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कि इसने अपने 2 दिए और इसने अपने भी 2 दिए, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। जैसे अब हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है O2, उसके अंदर O और O के बीच में जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है। कैसे, O के पास 6 है, तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये दोनों शेयर करते हैं आपस में, तो दिस इज अ डबल बॉन्ड। सिमिलरली इसके अंदर एक इसके अंदर अब हम एक और बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के क्या अंदर होता है कि एवरी एटम शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन, A1 एंड A2 बोथ गिव 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो A1 ट्रिपल बॉन्ड A2। जैसे नाइट्रोजन होता है N2 मॉलिक्यूल, इसके अंदर N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, N के पास, N का एटॉमिक नंबर 7, तो हमारी हो गई 2.5 हो गए, तो अब इसमें ये अपने 3 शेयर करता है। तो दिस इज अ ट्रिपल बॉन्ड। अब जो कोवलेंट बॉन्ड्स अगर होते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड्स के साथ कोवलेंट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। अब वील डिस्कस सम वन स्पेशल टाइप, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, बट उनके अंदर पोलर नेचर होता है, थोड़ा सा पोलर नेचर, इसलिए उसको पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। ये होता कैसे है कि अगर सपोज A1 एक एटम है, एक A2 एक एटम है, आपस में कुछ कुछ शेयर कर रहे हैं एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कुछ शेयर कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, 1.7 से कम है, मतलब 1.7 से कम मतलब कोवलेंट है, बट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू किसी और में कोवलेंट कंपाउंड में होगा। सपोज H और H का अगर हम फॉर्म करते हैं, 2.1 दोनों का है, तो बिल्कुल दोनों के बीच का डिफरेंस 0 है, तो बॉन्ड विल बी कम्प्लीटली स्टेबल, कि इलेक्ट्रॉन्स जो ये आपस में बीच में ही रहेंगे, बिल्कुल बीच में रहेंगे। बट अगर इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। आफ्टर ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, तो अगर एक का एज कम्पेयर टू दूसरा ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से इस तरफ टिल्ट हो जाएंगे। अगर इस तरफ टिल्ट हो जाएंगे, तो जिसकी तरफ टिल्ट है थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाएगी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहते हैं हम उसे, कि थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, तो फुल चार्ज नहीं आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स शेयर हैं। फुल चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ जाए जो खींच रहा है अपनी तरफ, वो पूरा इलेक्ट्रॉन उसकी प्रॉपर्टी है, दूसरे की प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर एटम एज वेल। द ओनली डिफरेंस इज कि जो बॉन्ड की प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट, कि इलेक्ट्रॉन दोनों वाले बॉन्डेड सारे
उसकी तरफ थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, तो इस जिसकी हायर है उस पर पार्शल नेगेटिव आ जाता है, इस पर पार्शल पॉजिटिव आ जाता है, तो वो कोवेलेंट कंपाउंड्स पोलर हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है H2O। H2O के अंदर होती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ये तो शेयरिंग है तो मतलब कोवेलेंट कंपाउंड है। बट O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, इसकी होती है 2.1 H की। तो ऑब्वियसली इसका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1.4 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, विच इज़ वेरी मच। तो इनके जो अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी तरफ ज़्यादा खिंच जाते हैं O की तरफ। अब O की तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो थोड़ा सा उसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपने तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो उसके अपने हैं, विच लेड टू इट्स न्यूट्रलिटी, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल है। बट बॉन्डेड के अंदर तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे ना, डॉट्स वाले जो एच के हैं, तो वो वाले इलेक्ट्रॉन्स का भी थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज O की तरफ आ रहा है, तो उसके ऊपर एक एडिशनल पार्शल चार्ज आता है, विच इज़ नॉट इन एक्चुअल अ चार्ज, जस्ट एक पार्शल चार्ज है। तो ये नेगेटिव इसके ऊपर अब इससे खिंच गए हैं थोड़े से, तो इस पर पार्शल पॉजिटिव, इस पर पार्शल पॉजिटिव, तो इसका नेचर पोलर हो जाता है। पोलर मतलब कि अगर एक और नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे अगर कुछ आता है, सपोज़ पानी के अंदर हमने NaCl डाला, तो हम क्यों कहते हैं कि वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है? क्यों? क्योंकि NaCl का क्लोरीन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इनके बीच में अट्रैक्शन तो रहती है ना, क्योंकि इसकी थोड़ी सी पॉजिटिव टेंडेंसी है, इसकी पूरी नेगेटिव टेंडेंसी है, तो ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। नाउ लेट्स डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। पहले तो इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आफ्टर ऑल होता क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब नहीं, हमने जैसे भी आयनिक कंपाउंड्स के जब कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे M प्लस और N माइनस से डिस्कस किया था, जैसे H2O से डिस्कस किया था कि H2O का मतलब ये नहीं है कि पानी अगर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो इससे हमने एक्सप्लेन किया था कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, कि ये नहीं है कि अगर आइस पानी में, पानी अगर स्टीम में फॉर्म हो रहा है तो H और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, नहीं, उनके बीच की जो अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, वो चेंज हो जाती है। तो इसमें इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है कि जो अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ टू कोवेलेंट कंपाउंड्स इज वीक। मतलब एक मेरा MN है कोवेलेंट कंपाउंड और एक और MN है, ये दोनों हैं आप, ये एक ही टाइप के हैं, इनके बीच की जो अट्रैक्शन होती है इंटरमोलिक्यूलर, वो होते हैं वैंडरवॉल फोर्सेस। आयनिक में हमारे होते थे इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन, तो ये वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, वैंडरवॉल फोर्सेस आर वेरी वीक, तो ईजिली ब्रेक हो जाते हैं, थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करो ईजिली ब्रेक हो जाएंगे, इसलिए इनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब इलेक्ट्रोलाइट कब होता है, जब उसके पास एक फ्री आयंस हो, कोई भी कंपाउंड अगर ब्रेक हो जाए, अगर सपोज पानी के अंदर डालते थे हम आयनिक कंपाउंड्स, वो फ्री आयंस में डिसोसिएट हो जाते थे, जब वो फ्री आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे तो उनके अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पास करोगे तो सिंस आयंस है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, इसमें तो वो फ्री आयंस में होते ही नहीं है चेंज, तो सिंस फ्री आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी। सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, क्योंकि अब पोलर सॉल्वेंट्स का तो इनसे कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि अगर पोलर सॉल्वेंट्स का तब लेना देना होता जब इन द सेंस उसमें सॉल्यूबल नहीं होते, तब होता जब वो फ्री आयंस अलग अलग होते और वो जो अट्रैक्शन होती पोलर के साथ, बट यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पे एक और इसकी प्रॉपर्टी है कैरेक्टरिस्टिक कि वो डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल इन नेचर, मतलब कि इनकी कोई शेप होती है। आयनिक में क्या होता था कि आपस में वो अट्रैक्ट हो रहे, एक बॉन्ड ऐसे बाउंड रहता है, बट कोवेलेंट के अंदर शेप होती है डिपेंडिंग ऑन शेयरिंग कैसे हो रही है, कितना एंगल हो रहा है, उनके बारे में हम डिफरेंट शेप्स अभी पढ़ेंगे। नाउ विल स्टडी द लुईस थ्योरी। अब लुईस थ्योरी होती क्या है? लुईस थ्योरी बेसिकली कोवेलेंट जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनका हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उनके अंदर कैसे हमारे कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, कैसे हमारे बॉन्ड्स बने हैं, कितने सिंगल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड, किस एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स, कितना हमारा लोन पेयर्स हैं, कितने हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब कैलकुलेट करने के लिए एक कोवेलेंट कंपाउंड की हम लुईस थ्योरी यूज़ करते हैं। अब लुईस थ्योरी के बेस है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? बेसिकली ऑक्टेट रूल सेज कि हर एटम जो शेयर कर रहा है वो अपना
ऑक्टेट कंप्लीट करने करके स्टेबिलिटी अटेन करता है, मतलब कि हर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, चाहे वो खुद के अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे वो शेयर करके लिए हुए हों। मतलब जैसे A1 और A2 हैं एटम्स, हाँ इसका क्या, A1 का मोटिव है कि अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन लाना। अब वो कैसे 8 इलेक्ट्रॉन लाएगा, उसके पास सपोज कुछ अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, साथ में कुछ इसके साथ वो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स। अब जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल मिला के उसके पास 8 होने चाहिए। तो ल्यूइस थ्योरी में यही होता है कि हम ऐसे बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, हम उस जगह बॉन्ड लगाते हैं, हम उस जगह बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और उस जगह नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा। मतलब एक एटम है वो हमेशा कोशिश करेगा कि मेरा ऑक्टेट पूरा, मेरे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, वो चाहे उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड बनाएगा कि मैं इसके साथ बॉन्ड बना लेता हूँ तो मेरा ऐसे हो जाएगा। उसके लिए हमारे कुछ सेट ऑफ रूल्स है। ल्यूइस थ्योरी बेसिकली इज बेस्ड ऑन द ऑक्टेट रूल ऑन कंप्लीटिंग एन ऑक्टेट ऑफ एनी एटम। सो ल्यूइस थ्योरी के हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, पहले N1 कैलकुलेट कर लो, सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स प्लस माइनस नेट चार्ज। इसका मतलब कि जितने भी हमारे एटम्स हैं, सपोज HCN है तो इसके पास कितने एटम है, HCNN, 3 एटम है, हर एटम के कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, कितने बैलेंस होंगे। सपोज अगर मैं लेती हूँ NO3 माइनस या फिर HNO3 ले लेते हैं, तो H के पास हमारे कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। N के पास कितने होते हैं, 5 बैलेंस होते हैं। कैसे N के पास 5 हुए, उसका 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2.5 हो गया उसका हमारी कॉन्फ़िगरेशन, 5 हो गए उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 हो गया H का HNO3 में, N का हो गया 5। हर O एटम के पास 6 बैलेंस होते हैं, कैसे, 16 उसका एटॉमिक नंबर होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 286। सो ईच ओ हैज 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास HNO3 में कितने ओ हैं, 3 ओ हैं, 3 ओ है तुम्हारे पास, कितने हो गए टोटल बैलेंस O3 के, 3 × 6 18 प्लस 5 N के 23 प्लस 1 24। सो हमारे 24 हो गए बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस माइनस नेट चार्ज। नेट चार्ज मतलब कि अगर कोई स्पीशीज है सपोज MN के ऊपर टोटल अगर माइनस चार्ज है, मतलब इसके पास कहीं ना कहीं से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, तो हम N1 का हमारा मोटिव क्या है, N1 निकालने का मोटिव है कि टोटल कंपाउंड के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो खाली हैं, जो बॉन्ड में नहीं हैं, जो खाली पड़े हैं, मतलब बॉन्ड में हो भी ना भी हो, जो ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जो बाहर हैं, बैलेंस हैं। तो जो एक एक्स्ट्रा माइनस चार्ज है वो भी तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट करेगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो हम प्लस कर देंगे जितना नेगेटिव चार्ज है। मतलब अगर 2 नेगेटिव चार्ज है तो हम जितने हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स MN के अंदर निकाले प्लस 2 कर देंगे, विच विल गिव अस द वैल्यू ऑफ N1। अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसका इलेक्ट्रॉन कोई ले चुका है, मतलब उस कंपाउंड के अंदर किसी ना किसी स्पीशीज का कोई इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है अगर 2 प्लस है तो हम 2 माइनस कर देंगे टोटल हमारे बैलेंस हमने जितने निकाले हैं। हम तो बैलेंस ऐसे निकालते हैं ये मान के कि सारे के सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास पड़े हैं स्पीशीज में। अगर माइनस प्लस कोई चार्ज आ गया मतलब कि वो निकल चुके हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर वो करते हैं नेगेटिव के केस में। N2 क्या करता है, 8 × नंबर ऑफ एटम्स अदर देन H प्लस 2 × H एटम्स। अब ये हमारा मोटिव क्या है इसका निकालने का, कि हमारा ऑक्टेट रूल क्या कहता है, कितने होने चाहिए। अगर H है तो H का ऑक्टेट कंप्लीट होता है 2 से। हमारा ऑक्टेट का मतलब कि कंप्लीट करना उसके ऑर्बिटल को, जो उसका फाइनल बैलेंस ऑर्बिटल है, जो उसका बाहर की तरफ ऑर्बिटल है, उसको हमने कंप्लीट करना है कि उसके पास स्टेबिलिटी आ जाए। तो H का तो S होता है, S ऑर्बिटल उसका, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो उसकी कॉन्फिगरेशन 1s1 होती है, तो उसके 2 होते हैं। तो अगर मैं चाहती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी स्टेबिलिटी के लिए कितने हुए, 8 × नंबर ऑफ एटम्स अदर देन H, N है, ऑक्सीजन है, कुछ भी है, तो 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, विच विल गिव अस द टोटल नंबर ऑफ टोटल, विच विल गिव अस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होने चाहिए उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, उसको स्टेबिलिटी देने के लिए।
और अगर H है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि H की 2 से स्टेबिलिटी आती है। फिर से रिपीट करते हैं, N1 हमें दे रहा है कि कितने उसके पास इलेक्ट्रॉन अभी हैं, ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है, जितने हैं उसके पास वो टोटल कैलकुलेट करना। वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, सारे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लो और उसका अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, पॉजिटिव हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो। N2 का मोटिव क्या है, कितने होने चाहिए। अब जैसे अगर O है, HNO3 में ही लेते हैं, हमने HNO3 का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम थ्रू आउट। HNO3 का एग्जाम्पल में क्या है कि HNO3 में N1 कितना हो जाएगा, ये 5 इसके पास बैलेंस है, इसके पास 1 बैलेंस है, इसका 3 × 6 बैलेंस है, 3 × 6 इज 18, तो ये 14 है N1, 24। एंड N2 इस केस में क्या है कि कितने होने चाहिए स्टेबिलिटी के पास, H है तो उसके पास 2 होने चाहिए, N के पास एंड 8 होने चाहिए स्टेबल के लिए, O के पास भी 8 होने चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। सो 4 ऐसे एटम्स है, एक N का और 3 O के जिनके पास 8 होने चाहिए। सो 4 × 8 32। सो N2 शुड बी 34 ओवर है कि इतना होगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम N3 कैलकुलेट कि कितने शेयर्ड और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब N2 माइनस N1 अगर हम करते हैं तो मतलब इतने उसके बॉन्ड्स बने हैं, इतना उसके पास फ्री, इतने बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। जैसे अब लेट्स सी HNO3 में N2 की वैल्यू आई है 34, N1 की वैल्यू आई है 24, तुम्हारे 10 हमारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड में यूज़ हो रहे हैं, जो बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो वो होते हैं ना जो हम उनको काउंट कर रहे हैं यहाँ पे N1 के थ्रू कि जो बॉन्ड में नहीं यूज़ हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 10 एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, N3/2, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। तो टोटल स्पीशीज के कितने हो जाएंगे, हर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक बॉन्ड बनेगा, कि जैसे H और N के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमारे नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स तो 2 हैं, एक इसका एक इसका, बट बॉन्ड तो एक ही है ना, क्योंकि 2 मिला के एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड हो गए N3/2। नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स अभी हमने शेयर नहीं करे हैं, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिसके उसके पास बैलेंस है माइनस N3 जितने उसने बॉन्ड्स में यूज करे हैं। सो N4 हो गया N1 - N3 कि इसने उतने बॉन्ड नहीं बनाए, इतने उसके पास बाहर हैं और इतने से बॉन्ड नहीं बनाए। जैसे हमारे 10 निकला है N3 और 24 है हमारा N1, सो 24 - 10 14 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं हो रहे हैं, जो बाहर है। अब एक चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड अस लोन पेयर्स। लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर होता है कि जितने नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अगर हम पेयर्स बनाएं, मतलब हर 2 नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनेगा, तो N4/2 हो गया। मतलब नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे जो बॉन्ड में नहीं इन्वॉल्व हैं वो 14 है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगी तो ऐसे लोन पेयर्स आ जाएंगे, मतलब 5 लोन पेयर हैं जो ऐसे ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि एक ही एटम हमारे कितने नॉन शेयर्ड हैं। नेक्स्ट हम निकालते हैं कि हमारा सेंट्रल एटम क्या है। अब कोई भी अगर बॉन्ड फॉर्म होगा तो सेंट्रल एटम निकलेगा, मतलब कि एक ही एटम के अराउंड बाकी कुछ होंगे तो वो हम सेंट्रल एटम निकालते हैं। तो जनरली सेंट्रल एटम होता है जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कि जिसकी सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बट अगर हमारा H होता है, इफ H एग्जिस्ट इन अ कंपाउंड, तो H इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल एटम। H कभी सेंट्रल एटम नहीं होता, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H की सबसे कम होती है। H के केस में हम एक्सेप्शन ले लेते हैं, जो दूसरा होता है H के बिसाइड्स हम उसको लेते हैं फिर सेंट्रल एटम के लिए। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है कि हर एटम, अब हम फॉर्मल चार्ज एटम का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। जो भी अभी तक कैलकुलेशंस करी थी हमने वो कंपाउंड के लिए कैलकुलेशन करी है। N1 पूरे कंपाउंड में जितने एटम्स हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देख रहा था, तो मतलब उसने पूरे कंपाउंड को एज अ होल कंसिडर करा है। सिमिलरली N2 ऑल्सो कंसिडर्ड द कंपाउंड एज अ होल। N3 में जितने हमने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाले या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाले, वो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाले, एक एटम के कितने बॉन्ड्स हैं दूसरे एटम के साथ वो नहीं निकाले, पूरे कंपाउंड में जितने बॉन्ड्स हैं वो निकाले। सिमिलरली N4 में भी
जितने हमारे लोन पेयर्स हैं वो हमने टोटल कंपाउंड के लोन पेयर्स निकाले। नाउ फॉर्मल चार्ज हम कैलकुलेशन के लिए हमेशा एक एक एटम को कंसिडर करते हैं। HNO3 दिया है तो मैं H का अलग से निकालूंगी, N का अलग से, O का अलग से। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है कि एक एटम को लिया, उस एटम का हमने देखा कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एटम के हैं, माइनस उसने कितने अपने शेयर करे हुए हैं, बॉन्ड्स उसने कितने फॉर्म करे हुए हैं, माइनस उसने कितने उसके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेसिकली वी आर यूजिंग नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर माइनस नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट्स में नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज फॉर ईच एटम इन द कंपाउंड। सो हर एटम के लिए हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी माइनस कर देंगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी माइनस कर देंगे। तो हमें फॉर्मल चार्ज चाहिए देगा कि इस पर इतना चार्ज है, मतलब कि इसका इतना यूज़ नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन। फाइनली हम ये यूज़ क्यों करते हैं, ये जो लुईस ने थ्योरी जो प्रपोज हुई थी, लुईस ने जो प्रपोज की थी तो उसने निकाला था कि ऐसा होता है कि कुछ डायरेक्शन हो सकती है। जैसे अगर दो ऑपोजिटली फॉर्मल चार्ज वाले एटम्स हैं, एक का नेगेटिव फॉर्मल चार्ज है, एक का पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज है, तो हम इसके बीच में एक डेटिव बॉन्ड एग्जिस्ट करता है फ्रॉम वन एटम टू द अदर, उसका डेटिव बॉन्ड शो करते हैं हम। अब विल डू अ लॉट ऑफ लुईस स्ट्रक्चर्स, लुईस स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल करते हैं NO3- का। अभी हमने HNO3 तो करा था, अब NO3- देखते हैं हम लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हमने निकालना है N1। N1 क्या है, हमने पहले नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, N के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, N का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, 2.5 होगी उसकी कॉन्फिगरेशन, 5 होगी उसके पास नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 प्लस O का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, कॉन्फिगरेशन क्या होगी 2, 8, 6, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए हर O एटम के पास 6। अब तीन हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो एवरी ऑक्सीजन एटम हैज 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो प्लस 3 × 6 प्लस। अब हमारे पास इसके पास कितना चार्ज है, -1 का चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। तो हम जब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे तो 1 भी ऐड कर देंगे, कितना हो गया 5 + 6 = 18, 24। N2 क्या होता है, N2 भी इज 8 × नंबर ऑफ नॉन एच एटम्स प्लस 2 × नंबर ऑफ एच एटम्स। ये दिखाता है कि हमारा ऑक्टेट रूल को अगर सेटिस्फाई करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके पास। तो N कितने, यहाँ पे H का तो कोई एटम है ही नहीं, सारे नॉन एच एटम्स हैं, तो कितने नॉन एच एटम्स हैं, 1 N का एंड 3 ऑक्सीजन के, इन टोटल 4 नॉन एच एटम्स, विच इज़ इक्वल टू N2 क्या हो जाएगा फिर 4 नॉन एच एटम्स इंटू 8 फॉर एवरी एटम, दस दिस इज 32। नाउ वी कैन कैलकुलेट N3। अब N3 क्या होता है हमारा, N3 इज N3 वुड बी N2 - N1, ये दिखाता है कि हमारे कितने बॉन्डेड है इलेक्ट्रॉन्स, कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, 32 - 24 कितना हुआ 8, तुम्हारे कितने बॉन्ड्स हो गए N3/2, 4 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नाउ वी कम टू N4। N4 क्या होता है, नॉन बॉन्डेड नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे N1 - जितने हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सो N1 है 24 - 8, 16। अब वेस्पर थ्योरी यूज करके हम लोग शेप्स निकालते हैं। लेट्स टेक, हम अब थ्रू आउट, अभी हम ABX लेते हैं एज अ, ABX एक मॉलिक्यूल लेते हैं जिसके अंदर हमारा A इज द सेंट्रल एटम। अब विल कंसिडर सबसे पहला केस नो लोन पेयर विद द सेंट्रल एटम, मतलब कि हम वो वाला केस ले रहे हैं जब सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है।
इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले इसमें लेते हैं AB2 टाइप का, क्योंकि x कैन बी एनीथिंग। यहाँ पे A सेंट्रल एटम है जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं BeCl2। अब BeCl2 में BE सेंट्रल एटम है बट BE के पास कोई लोन पेयर नहीं है। इसके पास 3 लोन पेयर हैं Cl के, और इस वाले Cl के पास भी 3 लोन पेयर हैं। अब इसकी हमारी शेप कैसे होगी? इसकी शेप हमारी होगी लीनियर। वो क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे, इधर तो लोन पेयर कोई है नहीं, तो लोन पेयर रिपल्शन तो यहाँ पे कोई है नहीं BE के अराउंड, तो इन दोनों को मैक्सिमम, या फिर इन सबको मैक्सिमम अपार्ट रहना है। वो तभी रहेंगे जब वो लीनियर है, 180 डिग्री के एंगल पे है। कि अगर देखो ऐसे ऐसे शेप होगी इसकी, कि बीच में BE है, ये एक CL है, ये एक CL है, और ये ऐसे लीनियर बिल्कुल स्ट्रेट। अगर अगर कोई और शेप होती, से ऐसे कुछ होता कि ये BE होता, ये CL होता, ये CL होता, तो यहाँ पे लोन पेयर BE के पास तो कोई है नहीं, तो इन और इनके और इसके 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 और इसके और इसके बीच में कितनी ज़्यादा रिपल्शन हो जाती, मतलब इनके बीच में रिपल्शन वुड हैव बीन मोर एज कम्पेयर टू अ लीनियर स्ट्रक्चर। इसमें दे ऑल आर मैक्सिमम अपार्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सो हम एक लीनियर स्ट्रक्चर लेते हैं AB2 के केस में। दिस एंगल इज 180 डिग्री। इसके और एग्जाम्पल्स जैसे अभी हमने पढ़ा था CO2, BeX2 फॉर दैट मैटर, कि कुछ भी हो BeX2, X could be Cl, F, anything. Next, ZnCl2. इन सबके लीनियर स्ट्रक्चर होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। नेक्स्ट लेते हैं AB3। AB3 में A सेंट्रल एटम है और A के पास कोई लोन पेयर नहीं है। हम अभी ये नो लोन पेयर का ही केस ले रहे हैं। इसके एग्जाम्पल लेते हैं BF3। अब BF3 का कैसा होता है स्ट्रक्चर? ये F, ये F, ये F। इसके पास 3 लोन पेयर F के पास, हर F के पास। और B के पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो इस केस में द स्ट्रक्चर इज ट्राइंगुलर प्लेनर। अब ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है? ट्राइंगुलर प्लेनर मतलब कि दे आर ऑल इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है? कि सपोज ये है, ऐसे दो हैं, और अगर ऐसे होता तो ये डिफरेंट प्लेन्स है, मतलब ये एक प्लेन हुआ और ये एक प्लेन हुआ। सेम प्लेन का मतलब कि सारे के सारे एक ही सर्फिस पे, एक ही प्लेन में है। तो दिस इज़ अ ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। ये देखो, दिस इज़ अ ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, मतलब कि ये ट्राइंगल है और ये सेम प्लेन में है। अगर ट्राइंगुलर प्लेनर में, अब हमारा जो एंगल होता है, दिस एंगल इज 120 डिग्री, 360, मतलब एक प्लेन का 360 है, डिवाइडेड बाई 3, इक्वली स्पेस है 120। अगर ये ट्राइंगुलर ना होता, कुछ और होता, अगर ये इक्वली स्पेस नहीं होते, तो हमारा क्या स्टेबल होता? लेट्स चेक दिस। सपोज अगर ऐसा होता कि BF3 में ऐसे होते कि ये दोनों तो 180 डिग्री पे हैं और ये 90 पे होता, तो अगर ऐसा कुछ होता कि ये, एक सेकेंड, यस, अगर ये 180 पे होते और ये 90 पे होते, तो इसके और इसके बीच में रिपल्शन तो काफ़ी कम हो जाती क्योंकि ये काफ़ी दूर है, बट इसके और इसके, मतलब ये जो 90 वाले हैं, इनके बीच में रिपल्शन एज कम्पेयर टू देम ज़्यादा हो जाती। तो वी वॉन्ट सच अ इक्विलिब्रियम टू बी मेनटेन, सच अ स्ट्रक्चर टू बी मेनटेन दैट इनके रिपल्शन ओवरऑल मिनिमल हो। तो हम ऐसा लेते हैं कि 120 डिग्री का एंगल, सारे इक्वली स्पेस्ड हैं, ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। सो BF3 इज वन सच एग्जाम्पल। AB3 अगर फॉर्म हो और कोई भी लोन पेयर ना हो सेंट्रल एटम के पास, तो ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? BCl3, AlC3, AlCl3, NO3 माइनस, CO3 2 माइनस, इन सब का होता है ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। देयर ऑफ द फॉर्म AB3 विद द सेंट्रल एटम हैविंग नो लोन पेयर। अब नेक्स्ट जो नो लोन पेयर की कैटेगरी थी, उसमें हम लेते हैं AB4। AB4 का सपोज एक एग्जांपल है CH4। शेप होती है इनकी टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल शेप कैसे होगी?
ये 3D है, सो ये नीचे इधर नहीं है, ये 3D में है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे कि ये इनके बीच में 109.8 डिग्री का है अंकल। ये सारे 3D है, ये 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल में ये 109.8 का एंगल है, ऐसे अरेंज चाहिए। सो दिस इज़ अ टेट्राहेड्रल शेप कि एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ये ऐसे अरेंज है कि लोन पे इनकी रिपल्शन आपस में मिनिमम होती है। सिमिलरली इसके और एग्जांपल्स हैं, SI X4 में SI Cl4 हो जाए, SI F4 हो जाए, ये सारे टेट्राहेड्रल शेप के होते हैं। NH4+, इन सब में यही है कि लोन पेयर नहीं होता सेंट्रल एटम के पास, एंड दे आर अरेंज ऑफ द फॉर्म AB4, सो द शेप इज टेट्राहेड्रल। दिस एंगल इज 109.8 डिग्री। नेक्स्ट है AB5 का एग्जाम्पल क्या होगा, PCl5। अब इनकी क्या शेप होती है, व्हेन ए इज द सेंट्रल एटम विच हैज नो लोन पेयर, द शेप इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप कैसी होती है, ये जैसे पी है, यहाँ पे सीएल, यहाँ पे सीएल, यहाँ पे सीएल, ये जो तीनों सीएल हैं इसके पास, यहाँ पे कोई इन हर के पास छः ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनशेयर इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज तीन लोन पेयर। तो ये जो तीन सीएल हैं ये आपस में सेम प्लेन में है, बाकी जो तो सीएल है ये एक ऊपर 3D में और एक नीचे 3D में होता है। दैट इज इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि अगर हमने एक प्लेन लिया, ये सपोज प्लेन है, दिस इज फॉस्फरस, ये क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, सो ये जो है ये एक प्लेन में है, मतलब इसमें बीच में एक पी है, इधर सीएल, इधर सीएल सीएल, बाकी दोनों सीएल ऐसे अरेंज्ड हैं, एक ऊपर और ऐसे ही एक नीचे। सो दिस इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, दैट इज तीन सीएल सेम प्लेन में और दो सीएल ऐसे ऐसे अरेंज्ड। तो इन जो तीन सीएल का एंगल है आपस में, इन तीन का, इनका आपस में 120 डिग्री एंगल होगा, जैसे ट्राइंगुलर प्लेनर में होता था एक ही प्लेन में। बाकी जो दोनों हैं, बाकी दोनों इससे, तो इस प्लेन से 90 डिग्री पे हैं। सो दिस शेप इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट है AB6 टाइप। AB6 का एग्जांपल है SF6। अब SF6 का क्या होती है, इनकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रन। ऑक्टाहेड्रन शेप में क्या होता है कि हमारे S ऐसे है, एक ही प्लेन में चार फ्लोरीन होंगे पहले, ये जो चार फ्लोरीन है एक प्लेन में है, एज इफ स्क्वायर है, स्क्वायर में होता है ना, जैसे स्क्वायर में एक प्लेन है, ये है, बाकी जो दो फ्लोरीन है वो ऊपर और एक नीचे। ये कैसे होगा इसको भी देखते हैं, कि ये S है, सेम प्लेन में एक F, इधर एक F, इधर एक F और एक इधर है, तो ये सेम प्लेन में है, तो इनके बीच में क्या एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा आपस में, क्योंकि ये इक्वली स्पेस्ड है, जैसे हमने करा है कि इक्वली स्पेस होंगे। कैसे होगी शेप, प्लेन वाली ऐसे, चारों 90 डिग्री पे। दिस इज दी ओनली पोजिशन जब सारे सेम प्लेन में है, मिनिमम रिपल्शन होगी। तो जब ये सेम प्लेन में है, बाकी दोनों फ्लोरीन जो है वो ऐसे अरेंज्ड होंगे,
एक ऊपर, ये चार ऐसे, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये SF6 हो गया। इस वाले जो ऊपर और नीचे है, इनका जो प्लेनर है, प्लेनर से 90 डिग्री का एंगल होगा और इन वालों का आपस में भी 90 डिग्री एंगल होगा। इसका प्लेन से 90 डिग्री एंगल और इनका आपस में 90 डिग्री एंगल। अब केसेस कंसिडर करते हैं जिसके अंदर हमारे पास सेंट्रल एटम का लोन पेयर हो, सो केसेस विद लोन पेयर। नाउ अब फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं कि अगर हमारे पास एक लोन पेयर हो, मतलब कि हमारा सेंट्रल एटम के पास एक ही लोन पेयर हो, सो लेट्स टेक SO2। अब SO2 में क्या होता है कि देखा जाए तो S है, यहाँ पे O है, ठीक है, और यहाँ पे एक O है। अब S के हमारे बॉन्ड कैसे होता है कि यहाँ पे एक हमारा बॉन्ड होता है और यहाँ पे दो बॉन्ड होते हैं। S के पास कितने बचे, ये रहा एक लोन पेयर बचा, तो ये रहा एक लोन पेयर। अब इसको और इधर रिपल्शन होगी। वेस्पा थ्योरी में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो एक ही मानता है, रिपल्शन उतनी ही होती है। तो अब ये ऐसा है, आप ऐसा सोचो जैसे ये एक एग्जिस्टिंग स्पीशीज है, मतलब यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, ऐसे सोचो, क्योंकि आफ्टरऑल ये बॉन्ड है क्या, बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन्स ओनली, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसको भी तो बॉन्ड मान सकते हो, मतलब बॉन्ड सोचो वर्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, सोचो। तो अगर जब हमारे पास ऐसा होता था कि तीन हमारे बॉन्ड होते थे, मतलब ऐसा अगर कुछ होता है स्ट्रक्चर, तीन बॉन्ड है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, तो ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होता था। तो हम इसको चलो ऐसे मानते हैं कि यहाँ पे 120 डिग्री एंगल है, ये हम मान रहे हैं कि एग्जिस्ट करती है स्पीशीज, बट यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन भी तो होगी। सिंस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होती है, तो ये जो 120 डिग्री एंगल होता है इससे एंगल कम हो जाता है, सो द एंगल इन SO2 रिड्यूसेस एंड इट बिकम्स लेस देन 120 डिग्री। और जो हम शेप है या फिर हम एंगल है, हम हमेशा बॉन्ड्स के बीच में जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स है, वर्चुअल बॉन्ड नहीं है, एग्जिस्टिंग बॉन्ड से लेते हैं, सो इसकी शेप हम बेंट भी कहते हैं, बेंट शेप। नेक्स्ट अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल जिसके अंदर हमारे सपोज एक है SF6 का, SF4 का एग्जांपल लेते हैं। SF6 हमने देखा था कि कोई भी हमारा इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं, लोन पेयर नहीं था। अब SF4 का एग्जांपल लेते हैं, तो SF4 में क्या होता है कि S के पास एक लोन पेयर होता है, अगर S होता है ऐसे, तो हमारा एक यहाँ पे F है, एक यहाँ पे F है, एक इसका यहाँ पे F है। अब क्या होगा कि इसके पास एक लोन पेयर है, तो इसको आप ऐसे एक बॉन्ड की तरह मान लो और ऐसे, ठीक है। तो जब हमारे पांच होते थे तो हमारी शेप क्या होती थी, PCl5 की शेप क्या होती थी, जब पांच होते थे SF फॉर्म में पांच बॉन्ड होते थे, ट्राइंगुलर बाई पिरामिड, मतलब ऐसे एक ऊपर एक नीचे। बट यहाँ पे एक लोन पेयर एग्जिस्ट करता है, तो हमारी शेप अब चेंज हो जाती है, हमारी शेप अब ट्राइंगुलर पिरामिडल नहीं रहती, एंगल्स हमारे जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बॉन्ड की तरह और इधर F। इसकी जो शेप होती है एक ऐसी शेप होती है जिसको हम कहते हैं सीसॉ शेप। नेक्स्ट एग्जांपल एक सिंगल लोन पेयर का लेते हैं कि एक सिंगल लोन पेयर है NH3। अब NH3 के पास भी एक लोन पेयर है, तो अगर हम देखें तो ये क्या है, बेसिकली एक यहाँ पे इसके लोन पेयर है और ये H। अभी हमने इसे बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं N ऊपर एक ऐसे। हम हमेशा जब भी लोन पेयर होते हैं इसको बॉन्ड की तरह वर्चुअली माइंड में मान लेते हैं, बॉन्ड है शेप उसको ऐसे ही बनाते हैं, बट हमेशा जितना पूरा स्ट्रक्चर का बनना चाहिए उस स्ट्रक्चर से इनके बीच का जो होता है कम होता है। अब ये टेट्राहेड्रल शेप है, मतलब देखने में अगर इसको भी बॉन्ड माने वर्चुअली, तो एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल में, 109.8। बट सिंस यहाँ पे ये